हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज। गाइस, आज मैं यहाँ पे एक न्यू रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइस, ये इंडियन नेवी में हो रही है, मतलब नौसेना भारती में। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते कि इंडियन नेवी क्या होता है। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता होता, डिफेंस में गाइस जैसे तीन प्रकार होते हैं, मिलिट्री होते हैं, BSF होते हैं, CRPF होते हैं, ठीक है, फिर इंडियन नेवी होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं। तो गाइस, ये जो नेवी का काम जो होता है समुंदर से, मतलब जो दरिया में ज़्यादा करके इनका काम होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको इंडियन नेवी कहा जाता है। अभी यहाँ पर बात करते हैं गाइस, तो गाइस इसमें बम्पर भर्ती आई है और आपको जो पोस्ट मिलेगी गाइस वो सीधा लेफ्टिनेंट की आपको पोस्ट मिलेगी। और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। ऑनलाइन माध्यम से आपको ऑनलाइन ही प्रक्रिया जो कुछ है गाइस, आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप वहाँ जाके सीधा अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करो, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से आप डायरेक्टली, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिल रही है। तो गाइस, जैसे मैं इसको थोड़ा बहुत जो नाम है ले लेता हूँ, वैसे तो आपको देख पा रहे, मतलब स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलेगी वो SSC नेवल, उसके बाद SSC ATC, SSC ऑब्जर्वर, SSC पायलट, मतलब जिनमें MR होता है, SSC इंजीनियर ब्रांच और SSC 5, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ गाइस, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आपने BE किया है, या अगर आपने BTEC किया है, अगर आपने MSc किया है, BSc किया है, MA किया है, कौन सी भी स्ट्रीम से, ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेबस पैटर्न कैसा होगा, कैसे पूरी प्रोसेस क्या होगी, तो ये जो जानकारी है गाइस, ये मैं आपको खुद बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक खुद इंडियन नेवी ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं आपको सभी को जो अभी बताने वाला हूँ वो आप शांति से, अच्छे से, मतलब आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। क्योंकि ये जो पोस्ट है गाइस, ये लेफ्टिनेंट की आपको पोस्ट मिल रही है, बहुत अच्छी पोस्ट जो होती है गाइस, हर एक का सपना होता है कि मुझे लेफ्टिनेंट बनना है। लेफ्टिनेंट बनने के लिए गाइस आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम मतलब UPSC, आपको जैसे आपको तो पता होगा UPSC हम दे सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, OTA के लिए ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी, उसके बाद इंडियन नेवी, और गाइस जो तीसरा है जो है मिलिट्री। ये तीन सेक्शन में आपको भेजा जाता है आपके कट ऑफ, आपके मार्क्स के ऊपर। पर गाइस, यहाँ पे आपको जो रिक्रूट की मतलब करने वाले हैं, ठीक है, वो सीधा इंडियन नेवी में करने वाले, इतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आपको इसको गंवाना नहीं है। यहाँ पे गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो आप शांति से सुनो, और गाइस वीडियो को स्किप ज़रा भी मत करो। अगर आप स्किप करोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस, ये मेरा जो पर्टिकुलर, ये मेरा ब्रांच है इंडियन नेवी का, इसमें मैं ऑलरेडी सर्विस कर चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें क्या होता है, तो वो सारी जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टिप हैं आपको देने वाला हूँ जो बल्कि आपके एग्ज़ाम के काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर गाइस, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज, मतलब कल सुबह आपको, मैं आपको एक डेट फिक्स बता देता हूँ, वहाँ से मतलब उस दिन से आपको रोज़ सुबह या शाम को आपको करंट अफेयर्स के जो नोट्स होंगे, मैं आपको खुद गाइडलाइन करने वाला हूँ, इसके क्लासेस चालू करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स जो है गाइस, इसमें मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगा जो बल्कि आपके मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड है, NTPC ग्रुप डी, ठीक है, अभी SSC में भर्ती चल रही है, MTS, तो वो सारी जो मतलब इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और गाइस, मुझे अच्छे से पता है कि किस प्रकार पढ़ाई करना है, और मैं आपको भी वो टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्निक है, सॉरी गाइस, मैं टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ किया, जो टेक्निक है मैं आपको खुद बताने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। अभी यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी की, इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आई है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप
नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको मिलेगी पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर गाइस। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया है एसएससी एमटीएस का, तो वो भी आप चेक करो। एनटीपीसी का भी मैंने आपको सारी जानकारी सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिए रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखे नहीं है तो आप जो वीडियो है गाइस पूरे अंत तक देख लेना, ठीक है। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। तो गाइस जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रही हो, ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी के तरफ से आया था। यहाँ पे मैं आपको हर छोटी सा छोटी बात मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे बता है कि इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर परमानेंट कमीशन इन एजुकेशन ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर इंडियन नेवी। यहाँ पे मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ये जो भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, ये ऑफिसर लेवल की है, और बल्कि इसमें आपकी जो सर्विस होगी वो शॉर्ट सर्विस होगी, जिसमें आपको केवल केवल 10 या 12 साल ही आपको यहाँ पे जॉब करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ इसके जो ओपनिंग डेट्स हैं, मतलब इसके जो आवेदन हैं, 18 मई 2019 से चालू होने वाले हैं। अंतिम डेट की बात करते हैं 29 मई 2019। तो गाइस यहाँ पे आपको बस 10 दिन मिल रहा है, तो 10 दिन में बस आपको क्या करना है, आवेदन करना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके जो मतलब नेवल एकेडमी है, ठीक है, वो कहाँ पे होगी। तो गाइस नेवल एकेडमी आपकी केरला में होगी, मतलब आपकी जो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, एज अ ऑफिसर करके, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग आपका होगा कहाँ पे होगा, तो केरला में आपका ट्रेनिंग होगा। अभी यहाँ पे पोस्ट की बात करती, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ब्रांच मिल रहे हैं जो बल्कि एसएससी नेवल में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने बीए किया है, बीटेक किया है, ठीक है, और उसके 60% आ रहे हैं आपके लास्ट ईयर में, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड है गाइस वो है एसएससी एटीसी। ये बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने बीए किया है या बीटेक किया है और 60% आ रहे हैं आपके फाइनल ईयर में, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। उसी प्रकार जो है गाइस एसएससी ऑब्जर्वर, उसके बाद एसएससी पायलट। एसएससी पायलट जो बल्कि एमआर में होता है, तो सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे रखा गया है। आगे बात करते हैं गाइस, तो ये गाइस तीन ब्रांच होते हैं। तीन ब्रांच में सबसे पहले जो ब्रांच है, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो एग्जीक्यूटिव की ब्रांच है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में ये इस तरह के पोस्ट आते हैं जिसमें बीए और बीटेक वाले कैंडिडेट्स जो है, या अगर आपने इंजीनियर किया है तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं जो एमएससी जिन कैंडिडेट्स ने किया है, जो बल्कि कंप्यूटर या आईटी से, तो वो कैंडिडेट एसएससी 5 के लिए, जो बल्कि आईटी सेक्टर में जो होता है, उनके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया आईटी से और आप फर्स्ट क्लास आए हो, मतलब लास्ट ईयर में आपका फर्स्ट क्लास, आप डिस्टिंक्शन में या फर्स्ट क्लास में आते हो, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। सेकेंड ब्रांच के बारे में अभी यहाँ पे बात करते हैं, तो सेकेंड ब्रांच है गाइस वो है टेक्निशियल ब्रांच, जिसमें इंजीनियर कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बीए किया है, बीटेक किया है, ठीक है, और आपके 60% आ रहे हैं, या अगर आपने इंजीनियर किया है, जो बल्कि यहाँ पे जैसे इन्होंने कोर्स के नाम बताए, ठीक है, ये आप एक बार अच्छे से चेक करना, जैसे मैकेनिकल हो गया, मरीन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्री इंजीनियर एंड मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल इंजीनियर हो गया, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी एक जो है गाइस, मतलब आपने किया है, ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच होता है, जो बल्कि जनरल सर्विस में आए जाते हैं, तो यहाँ पे बीटेक और बीई वाले भी आवेदन कर सकते हैं, उसके साथ इंजीनियर वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है, आपने जो एक जो टॉपिक होता है जिसमें आपने लास्ट ईयर तक एक ही, जैसे मैकेनिकल होता है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर में जैसे बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लाइंस होते हैं, कोई मैकेनिकल को जाता है, उसको सॉफ्टवेयर को ज़्यादा, कम्युनिकेशन को ज़्यादा, मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, ठीक है। तो इनमें से आपका एक कौन सा को तो होना चाहिए लास्ट ईयर में, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो थर्ड ब्रांच है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, जो ये है एजुकेशनल ब्रांच, जिसमें एमएससी कैंडिडेट्स जो है गाइस या बीएससी कैंडिडेट्स ही वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इंजीनियर वाले भी आवेदन कर सकते हैं, और बीई बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है गाइस, बल्कि 10th स्टैंडर्ड और
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैंडेटरी है, मतलब होना ही चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे अभी आगे जो है इस डिटेल में अभी यहाँ पे बात करेंगे, तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो सभी भारतीय के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे हु कैन अप्लाई, जो थर्ड वाला जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इंजीनियर डिग्री और इन अ फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियर कोर्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है जो कैंडिडेट्स मतलब ऑलरेडी इंजीनियर पास किए हैं या लास्ट ईयर में अभी अपेयरिंग है, तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सबसे पहली एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम जो बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कि ये जो एग्ज़ाम है आपकी, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिर उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस टाइप का आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आपको सीधा भेजा जाएगा SSB के लिए। अभी ये गाइस SSB क्या होता है, तो गाइस SSB में आपको बताना चाहता हूँ, SSB ऐसा होता है, एक लेवल होता है जहाँ पर आपकी इंटरव्यू, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और पर्सनली जो आपके रहने, आप कैसे रहते हो, कैसे बात करते हो, कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, किस तरह से आप आगे वाले से बात करते हो, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेस है 5 दिन का जो SSB होता है, ठीक है, तो उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपके मतलब फर्स्ट डे में आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को मतलब थोड़ा बहुत अंदाज़ा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी SSB एग्ज़ाम दिया है CDS का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, जब आप पहले दिन वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपका सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो बल्कि इंग्लिश के ऊपर पूछाएगा। इंग्लिश का जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे हमने दिया होंगे बहुत सारे पेपर, तो उसमें आपको ग्रामर का जो पार्ट है ज़्यादा करके पूछाता है। 50 मार्क्स का पेपर होता है, वो आपको स्कोर करना है, ठीक है। सेकेंड डे को गाइस आपको वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, फिर उसके बाद स्लाइडिंग के लिए वो आपको बुलाते हैं। थर्ड डे में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फोर्थ डे में उसी प्रकार आपका थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब जो हम बोलते हैं ना एक फिजिकल स्ट्रक्चर, जो बल्कि आप एक डेवलप किया होता है, मतलब उन इंस्ट्रूमेंटेशन से आपको बताना है, या ग्रुप डिस्कशन होता है, या स्लाइड वाला जो होता है, ठीक है। ये जो मतलब थोड़े थोड़े जो बातें हैं ना, मैं आगे जाके SSB का आपको किस प्रकार इंटरव्यू देना है तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, जब आपका SSB ख़त्म होगा तो 5वें दिन आपको, लास्ट डे में आपके बताता हूँ, उस वहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा करके मतलब 5 या 10 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे दिन मेडिकल के लिए भेजा जाता है, उसी मतलब वहाँ पर ही आपका मेडिकल किया जाता है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं तो उनका वहाँ पे ही मेडिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी उसकी मतलब मेडिकल में आपकी जो हाइट है, वेट है, वो चेक होता है, चेस्ट चेक होती है, सारे बॉडी के पार्ट चेक होते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर गाइस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये ऑफिसर की लेवल है, आपको ये ज्वाइन करना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलेगी वो सीधा लेफ्टिनेंट की मिलती है। लेफ्टिनेंट के बाद आपको यहाँ पे आपको कैप्टन की पोस्ट मिलेगी, कैप्टन के बाद उसके बाद आपको मेजर की मिलेगी, मेजर के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिलेगी। ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस के ऊपर होता है, जिसमें आपको प्रमोशन 3 साल के बाद मिलता है। ये इतना अच्छा आपको मौका मिल रहा है, तो इसे आप ज़रूर एक बार ज़रूर गाइस मैं आपको बता, इसको आप गवाओ मत, ठीक है। अगर आपने बीए किया है, बीटेक किया है, इंजीनियर किया, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर दो, ठीक है। यहाँ पे अभी जो आपको तनख्वाह मिलेगी गाइस, मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, आपकी जो तनख्वाह होगी कम से कम 80,000 से लेके 1 लाख के आसपास आपकी तनख्वाह जाएगी। कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला आपको इतना पैसा जो है सैलरी है और इतनी जो इज्जत मिलेगी वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। उसके साथ आपको राशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, ट्रेन का अलाउंस मिलेगा, DA मिलेगा, ग्रेट पे मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ठीक है। ऊपर से आपको रहने के लिए घर मिलेगा, नौकर मिलेगा, चौकर मिलेगा, सारे चीज़ आपको इसको मिलेगी। तो गाइस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ करने का है तो गाइस नेवी ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, मिलिट्री ज्वाइन करो, देश का नाम रोशन करो। बस मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ बुरा बोला है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आगे चल के बात करते हैं, यहाँ पे जो आपके सेंटर्स हो गए, आपको खुद को आपके
सिटी में मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको दूर जाने की किसी प्रकार की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, अगर आपकी उम्र कम से कम 21 साल है, ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं है, आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1995 से आगे होना चाहिए, जो बल्कि 1 जैन 2001 उसके बीच में हो, अगर आपकी जन्म डेट है। अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है, तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर दो। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन जो फीस है गाइस 205 रुपये लगेगा, सभी कैटेगरी हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर आप कौन से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे एक फिक्स जो एग्ज़ाम फ़ी होती है 205 रुपये, वो आपको ऑनलाइन माध्यम से आप पे कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग जो बल्कि एसएसबी की तरह, मैंने आपको सारी प्रोसेस तो बता दिया। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये सिलेबस, सिलेबस में आपको जैसे मैंने बोला था, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, अगर नहीं समझ में तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपको एसएसबी प्रोसीजर के लिए वहाँ पे भेजा जाएगा, जो बल्कि 5 दिन का होता है। उसके बाद आपकी उसी दूसरे दिन आपकी मेडिकल होगी। मेडिकल होने के बाद गाइस आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, मेरिट लिस्ट में गाइस आपको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन फीस है गाइस दो बल्कि सभी कैटेगरी को, जैसे मैंने आपको बताया था, 205 रुपये है, ठीक है। आगे चल के बात करते हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं है गाइस। जब आप ये जो एग्ज़ाम क्रैक करते हो, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो बल्कि 22 वीक का होता है, 22 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपकी जो फर्स्ट पोस्ट होगी, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे आपके जो रैंक होगी वो एज अ सब लेफ्टिनेंट आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन करो। अगर आपने ये मौका गवा दिया है, तो ये चांस आपको अगले साल वापस से आएगा, पर गाइस आपका 1 साल नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आवेदन करने के लिए गाइस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है 18 मई के बाद, जो बल्कि है www.joinindiannavy.gov.in। इसका लिंक हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है गाइस। 10 दिन का समय मिल रहा है आपको, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ, 10 दिन का समय मिल रहा है, आराम से फॉर्म भरो। फोटोज़ का गाइस ज़्यादा करके ख्याल रखो, ब्लू कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ब्लू कलर का बैकग्राउंड अगर है तो ही आपके एडमिट कार्ड आएगी, नहीं तो बहुत सारे रिजेक्शन ज़्यादा करके होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लू वाला जो बैकग्राउंड है वो आपका फ़ोटो होना चाहिए, तो ही आप, अगर नहीं है तो जाओ फोटो स्टूडियो में खिंचवा लो और वही फ़ोटो अपलोड करना। ये इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी में गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लू कलर बहुत माना जाता है, ठीक है। आगे चल के बात करता हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताया नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त लोग के साथ, ठीक है। तो गाइस मैंने मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो। इसका जो लिंक है गाइस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो भी आप चेक करो। वीडियो अच्छा लगे शेयर करो दोस्त लोग के साथ, उनको भी बता दो कि इंडियन नेवी में भर्ती आई है। और गाइस गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और याद रखो गाइस क्लासेस जो है गाइस, जो बल्कि करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।